एवरीवन, आज हमारे साथ हैं वो जिन्हें बिग बॉस OTT 3 में देखकर कहना बनता है लव हर और हेट हर, बट सिंपली यू कांट इग्नोर हर। हेलो सना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी। आई हैव बीन सेइंग कि हमारी जीत है, हम सबकी जीत है, सो आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव यू दैट क्रेडिट आल्सो। कांग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो। फर्स्ट, जनता वांट्स टू नो कि व्हेन यू लिफ्टेड दैट हेवी ह्यूज ट्रॉफी तो आपको कैसा फील हुआ? तो आई थिंक हेवी के साथ साथ आई मीन यू नो जो चीज आपने चाही, आई थिंक मेरा जो डिटर्मिनेशन था, मैं बहुत ही डिटर्मिन थी कि मुझे जीतना है। बिकॉज you know, when I was casted for Big Boss, हर किसी के मन में वो एक इच्छा होती है कि यार मुझे जीतना है। हम उस घर में घुसे थे, सबको जीतना था, सबको एंड तक पहुंचना था, सबको रेस का विनर बनना था। तो आई थिंक मैं बहुत ही ओपनली उस चीज को बोलती थी और बहुत प्राउडली बोलती थी कि हाँ मैं आई हूँ खेलने, हाँ मुझे जीतना है। सो आई थिंक मैं डिप्लोमेटिक कभी नहीं बन सकती, मुझे कभी डिप्लोमेटिक बनना आता नहीं है। मैं बहुत ब्लंटली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से मैंने बोला कि यस आई वांट टू विन एंड यस आई हैव कम हियर टू विन। सो आई थिंक वो चीज को आपने day 1 से कहा, आप इसे मैनिफेस्टेशन बोलो या फिर कुछ भी बोलो, इट वर्क फॉर मी, मेरे फेवर में वो चीज काम आई। और मोर देन एनीथिंग आई वाज वेरी रियल एंड आई थिंक जनता को भी वो रियलनेस मेरी दिखी। हाँ। And I think उन्होंने मुझे जिताया, so I'm very grateful, very thankful, but बोलते ना कि जितनी चीज हैवी होती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैवी होती है। तो आई थिंक वो ट्रॉफी जो मैंने लिफ्ट की तो मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हुआ। day 1 से लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए, लोगों ने बहुत बोला अपॉर्चुनिस्ट है, सेल्फिश है, मीन है, ये है वो है, बट एटलीस्ट मैं ये कहूंगी कि मैंने जो चाहा, मैं एंड तक, अगर कोई और जीतता तो मुझे इतना बुरा लगता कि मैं खड़ी थी और मेरे साथ कोई, बट नेजी मेरे साथ खड़ा था, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेजी भी जीत जाता ना तो मैं शायद इतनी ही खुश होती और मैं यही बोलती कि हम सबकी जीत है। सो ऑन दैट पॉइंट आई वांट टू आस्क यू दैट लाइक व्हाट यू हैव टू से अबाउट नेजी, बिकॉज जब आप जीते तो नेजी के फैंस से आपको बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा था, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? इट्स ओके, आई वुड से कि नेजी मेरा दोस्त है ना। अगर आप देखोगे नेजी के इंटरव्यूज आप देखोगे, क्योंकि मैंने नेजी के थोड़े बहुत स्निपेट देखे जो थोड़े वायरल हो गए, वेयर ही सेड कि मैं नहीं जीता लेकिन अपनी बमाएं जीती है। तो वो मेरे लिए खुश है, मुझे वो बहुत गर्व, आई फील प्राउड फॉर द फैक्ट दैट ही इज हैप्पी फॉर मी एंड ट्रस्ट मी दैट मैन, दैट बॉय। नेजी ने day 1 से बोला था कि तेरे में दम है, मतलब तू है, तेरे में कुछ तो बात है। तो नेजी मुझे day 1 से बोलते आता था एंड टिल द वेरी एंड यू नो नेजी ने उस चीज को रखा एंड ही सेड कि यार करके दिखा दिया तुमने। एंड और मैंने भी नेजी को कहा, मैंने कहा नेजी इफ आई वन, अगर मैं जीतती हूँ, इफ आई विन, मैं चाहती हूँ कि ये ट्रॉफी आप मेरे साथ लिफ्ट करेंगे और मैं चाहती थी कि 3 और सदस्य भी लिफ्ट करें मेरे साथ, पर अपने आ नहीं पाए थे, बट मुझे चाहिए था कि हम 5 ये ट्रॉफी को लिफ्ट करें बिकॉज हम बहुत सच्चे थे। हम आपके विन के बाद कुछ क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो रहे थे कि लाइक आपके को कंटेस्टेंट्स जो हैं वो स्टेज पर नहीं आए आपके साथ एंड आपको कंग्रेचुलेट नहीं किया, आपके लिए क्लैप नहीं किया, स्पेशली लवकेश, शिवानी, विशाल। सो उस पर आप, इसमें कितनी सच्चाई है, आप क्या बोलना चाहेंगे? सी मैं लवकेश, शिवानी, विशाल को मैं स्टेज पे यस में जरूर बुला रही थी, आपसे कम कम, बट लेटर मैंने भी ट्वीट्स पढ़े थे, मुझे नहीं पता था क्या एग्जैक्टली था, बट शिवानी ने, मैं जब शिवानी को बुला रही थी वो मेरी सुनती है यू नो, तो मैं उसको कहती आजा मेरे, हाँ कम, तो नहीं मना किया, तो व्हेन शी सेड इट मना, मैंने उसको तो यू नो वो कर लिया एंड देन आई वाज लाइक ठीक है। बट देन मैं जब वापस आई तो मुझे थोड़ा बुरा इस बात का लगा जरूर था क्योंकि नोबडी हैप्पी यू नो। एक होता है कि चलो अगर आप आ नहीं सकते पर आप खुश तो हो मेरे लिए, आप ताली तो मारो मेरे लिए, बट दे डिडंट डू एनीथिंग यू नो। मुझे वो थोड़ा बुरा लगा, बट अगेन मैं बोलूंगी कि मुझे उनके ओपिनियन और उनके, इससे शायद मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो बाहर जाके चीजें वो नॉर्मल रखेंगे, वो मेरी खुशी में खुश होंगे, बट कोई खुश नहीं था। मेरे जो 3 दोस्त थे वो बहुत खुश थे, ट्रस्ट मी, और मेरी माँ और मेरी बहन जो उस वक्त मौजूद थे वो बहुत खुश थे। बट मुझे लगता है कि साई की गर्लफ्रेंड ने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि वी वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू गो। सो अगेन आई विल से कि जब तक मेरे सामने वो चीज मेरे सामने जो हुआ मुझे उस चीज का बुरा लगा, बट मेरे कान में डायरेक्ट बात नहीं आई, वाया वाया आई कि दे वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू गो बिकॉज दे वांटेड टू कैप्चर माय मोमेंट। तो इसीलिए मैं उस चीज को मैं थोड़ा लेट गो कर सकती हूँ। तो जब आप जीते तो अनिल कपूर ने आपको क्या कहा? Oh, he said you deserve it. He said that. He said you deserve it. And see, you know, see, वो टीचर थे हमारे, and every weekend के बाद वो ये डांटी देते थे. I was his bad student, I feel. But yeah, having said that, I think he congratulated me and he said you deserve it. So like पूरे शो के दौरान कभी आपको ऐसा फील हुआ, there was a like ever a moment कि बस अब मुझे घर जाना है, या कभी वीकेंड के वार पर अनिल कपूर जी से डांट पड़ी हो तो कभी ऐसा लगा हो कि भाई मेरे से नहीं होगा, हो गया बस, कभी ऐसा हुआ? होता था, यस, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत बार हुआ। When you're the only person who's been targeted on weekend का वार, and अच्छे से नहीं, बहुत बुरे से आपको डांट मिलती थी, तो आई थिंक बुरा लगता था। there were times, but मेरी ना एक आदत है, मैं दिखाती नहीं हूँ जो चीज मुझे लगती है ना, मेरे फीलिंग्स और मेरे इमोशंस को मैं बयां जरूर करती हूँ। दोस्ती यारी में मैं बोल दूंगी कि मुझे ये चीज बुरी लगी, ये चीज बुरी लगी, पर जो चीज मुझे चुभती है ना, चुभती, जैसे अनिल कपूर जी मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी कि मुझे ये चीज लगी, बट मुझे वो चीज लगती थी। और जो मेरे दोस्त थे ना घर में, शिवानी, विशाल, लवकेश, नेजी, ये लोग मुझे पूछते थे तू ठीक है, आई यू ओके, एंड आई एम नॉट ओके। तो फिर लोग मुझे थोड़ा देर छोड़ देते थे, फिर लोग मेरे साथ हंसी मजाक करते थे, मुझे वो पीस ऑफ माइंड देते थे, चल हमारे साथ बैठ मस्ती कर। तो यस, देयर केम अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक कि कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, कहाँ मैं लॉस्ट हूँ, क्या कर रही हूँ, एवरी डे दे आर यू नो दे आर टारगेटिंग मी, दे लोग मुझे डांटी दे रहे, क्या कहाँ गलत कर रही हूँ। बट स्टिल एज आई सेड, आई कॉल माई सेल्फ अ कोकोनट, हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। मुझे ऐसा लगा कि just take it in with a smile and let it all go. You are here, your vision is something else, तुम्हारा end game कुछ और है, तुम बस जैसी हो वैसी रहो। So कोई strategy दिमाग में लेकर गए थे आप गेम के लिए? यार मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मेरे ना बहुत दोस्त बिग बॉस में आए हैं, ओके, बहुत सारे दोस्त आए। मुझे ना जब मैं लॉक हो गई थी बिग बॉस के लिए, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अब तू बिग बॉस देख, बिग बॉस देख। ट्रस्ट मी, मैं किसी की भी कसम खाऊं, मतलब मेरा ये माइंडसेट था कि मुझे बस आई वांट टू बी मी, आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स। मुझे शो नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं देखना है, कुछ फॉलो नहीं करना है, मुझे बस अपने, मैंने अपने आप को ये बोला कि आई वांट टू बी माई सेल्फ ऑन दिस शो एंड आई वांट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। तो मैं जैसी हूँ मैंने वही दर्शाया। मेरे पे ये भी एलिगेशंस आए कि घिसा पिटा बना बनाया देख के आई है, नहीं, मैं honestly एंड मैं किसी की भी कसम खाने के लिए रह रही हूँ। आई हैड दैट माइंडसेट कि ये शो मैं देख के जाऊंगी ना, बहुत मोनोटनस हो जाएगा। मैंने कहा मुझे देखना नहीं है, मुझे कुछ नहीं देखना, आई जस्ट वांट टू बी मी। और जो मेरे दोस्त थे ना, दे नो दैट आई एम लाइक दैट। ड्यूरिंग द शो कभी भी आपको ऐसा लगा लाइक यू फील कॉर्नर्ड और सप्रेस्ड और इंटीमिडिएटेड बाय योर को कंटेस्टेंट्स और मेल कंटेस्टेंट्स स्पेशली? No, so as I said, I am a very intimidating personality. Nobody can intimidate me. I'm sorry. I came across as an alpha, and I want to be an alpha. आप इसे dominating बोलो, आप इसे कुछ भी बोलना है. But yes, there came a point where a lot of people, घर वाले मुझे suppress करने की कोशिश कर रहे थे, and especially men, अरमान, whether you name अरमान जी, whether you name रणवीर शोरे, दीपक जी भी सम एक्सटेंट उस कॉन्वर्सेशन और उस ग्रुप का पार्ट थे। साई, केतन मुझे एंटाइटल बोलते थे, किस चीज के लिए गॉड नोज, बट वो मुझे एंटाइटल्ड। इवन द विमेन इन द हाउस, यू नो, दे वर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट दैट की, बट क्या करे अभी, आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, क्या करे, आई एम इंटिमिडेट, क्या करे। मैं बोलूंगी तो मैं ऐसे बोलूंगी कि मेरे स्लैंग में बोलूं तो मैं ठसती नहीं हूँ किसी से, बट मैं हूँ ऐसी, मुझे कोई नहीं ठगा सकता। तो ओनली पर्सन, मुझे लगता है जब अगर मैं गलत हूँ तो मैं सर झुका के सुनूंगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं। मैंने जो शो पे किया, देयर इज नो रिग्रेट्स, नथिंग। आपने मेरे से रिस्पेक्टफुली बात की, मैंने आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। अगर आप देखोगे भी तो मैंने किसी की पीठ पीछे बोला कुछ नहीं है, मैंने मुंह पे बोला है जो भी बोला है। आप एंड आई एक्सपेक्टेड देम आल्सो टू कम एंड टेल मी थिंग्स ऑन माय फेस। आप मेरे मुंह पे आके मुझे जो भी बोलना है बोलो, बट बहुत सारे जिन आदमियों का मैंने नाम लिया है, वही आदमियां बैठ के मेरे बारे में बिचिंग कर रहे थे मेरे पीठ पीछे। तो आई थिंक ये उनकी पर्सनालिटी दिखती है, मेरी नहीं. सो आई थिंक सो अब हम आप बात करेंगे योर बेस्ट फ्रेंड. आप समझ गई होंगी मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ. Neezi. Oh no, I don't want to discuss about that best friend if you're talking. No, I don't. So जब आप जीते your reaction is epic. Discuss about Ranveer because I felt मैं उस घर में चीजें बरी करके आई थी. But again जब मैं बाहर निकली, still not over me यार. He still so obsessed with me. Like so when जब आप जीते तो उन्होंने बोला that सबसे ज्यादा deserving winners थे. And then उन्होंने वीडियो डाला that saying that you are smart, you are intelligent, you are talented. फिर वो बोलते हैं कि आप chauvinistic हो. मतलब there is too much going on. So what do you have to say about it? Nothing. I think I want to just Ranveer ji, please move on. The show is over. मैंने कहा Ranveer ji, बहुत अच्छे से मैंने लिखा. मैंने कहा I'm not your favorite. I don't want to be your favorite. I know you don't like me, but if one thing is ending, there's always a new beginning. With this. I left a peace out and I said peace out. मैंने peace नहीं बोला, मैंने ना उन्हें sorry बोला, ना मैंने बोला कि let's stay in touch, no बाबा, मैंने बस बोला peace out, इसको हम खत्म. अब जैसे अगर हम अरमान मलिक के बारे में बात करें, so like जब वो स्टेज पर प्रीमियर के दिन आए थे पायल और कृतिका के साथ, तो he said कि वो चाहते हैं कि कृतिका को जिताना चाहते हैं as a winner, वो देखना चाहते हैं and she was in top 5 also. So, अभी रिसेंटली उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कृतिका को डायमंड रिंग दिया एंड देन लेटर टू पायल. तो आपने अंदर ऐसा फील करा दैट ही इज मोर टुवर्ड्स कृतिका एंड लेस टुवर्ड्स पायल? यार देखो, ये जो मेल कैटेगरी होती है ना, मैंने अगर आपने देखा होगा, मैं थोड़ी आज की लड़की हूँ, मैं थोड़ी यंग हूँ, मेरे भी दिमाग में मैं थोड़ी क्यूरियस चाइल्ड हूँ, मुझे क्वेश्चन मेरे अंदर भी बहुत रहते हैं. तो मेरी ना ये जो शादी, इनकी 3 शादी थी, अगेन इट्स नॉट माय प्लेस टू से, बट क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, यू नो. मैं बहुत क्यूरियस, हाउ आर दे अडैप्टिंग, हाउ आर दे डूइंग ऑल दिस, इज इट एक्सेप्टेड इन आवर कंट्री, इज इट दिस, इज इट दैट. तो मेरे लिए ना बहुत नई चीज थी. तो जब ये हुआ तो मैंने उनको क्वेश्चन किया था, मैंने कहा अगर पायल आपके साथ करती तो आप क्या करती. दैट कैन गो वेल विद हिम, यू नो. ही नेवर गिव मी द आंसर व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. मतलब औरतों को ही एक्सेप्ट करना है, लेकिन आदमी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दैट्स सो रॉन्ग, दैट्स सो रॉन्ग. तो मुझे ना वहां से उनकी मेंटल, उनकी समझदारी, ही इज अ नाइस मैन, मैं कुछ नहीं बोलूंगी उस पे, बट मैं इतना जरूर बोलूंगी कि ये इनसे ना, ये सब चीजों से उनकी मेंटालिटी पता चलती है कि वो क्या करते हैं, क्या अडेप्ट करते हैं, वो कितने ओपन माइंडेड है, कितने नहीं है. तो मुझे मेरा आंसर तब मिल गया. एंड उसके बाद मैंने एक अच्छी, बट एक चीज जरूर बोलूंगी कि वो लोग तीनों ना आपस में बहुत खुश रहते हैं. अच्छा. क्योंकि हमने उनके रिश्ते घर के अंदर देखे, ऐसा नहीं कि इसको कम, नो नॉट लाइक दैट. ये तीनों आपस में ना बहुत खुश रहते हैं. तो मियां भी राजी तो क्या करेगा काजी, आई वुड से दैट. अब बात करते हैं एल्विश यादव की. जब आप जीते तो उन्होंने भी कॉमेंट पास किया था दैट हल्ला नहीं मचा, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? See, again, I'll say that Elvish very sweet of him. मुझे नहीं पता था, you know, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है. वो लवकेश के फ्रेंड थे, तो उनका ऑफकोर्स उनका सपोर्ट लवकेश पे रहेगा. बट आई थिंक उन्होंने अपने ब्लॉग में डाला था दैट मैंने ना उनके वीडियोस देखे जहाँ उन्होंने लेजिट बोला है कि ये सना मकबूल मटीरियल है. एंड यू नो ही सॉ दैट विनर क्वालिटी इन मी. ही सेड ऑफ कोर्स लवकेश तो मेरा दोस्त है, मैं तो चाहूंगा वो लवकेश जीते, बट ये लड़की में भी बात है, यू नो. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट दैट ही कॉम्प्लीमेंटेड. मतलब एक किसी को अप्रिशिएट करना इज अ बिग थिंग, एंड उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया. बट हाँ, रही बात उनके ये कमेंट की कि हल्ला नहीं मचा, तो आई डोंट नो. अगेन आई विल से, शो में जाने से पहले मुझे कोई नहीं जानता था. आई वाज अ नोबडी. शो से निकलने के बाद अब वो किस हल्ले की बात करे मुझे नहीं पता. आपने लाइक शो के दौरान बताया दैट आपको एक डॉगी ने बाइट किया था एंड यू वर इन डिप्रेशन एंड देन यू वर डायग्नोस्ड विद हेपेटाइटिस. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आपने कैसे डील करा उससे? एक ना लाइफ में फेज आता है, तो मेरा वो फेज आया था जब मेरे साथ बुरा हो रहा था, यू नो, फिजिकली मेरे को डॉग बाइट इंसिडेंट हुआ. एंड ऑफ कोर्स फॉर एन आर्टिस्ट उसका फेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हमारा ब्रेड एंड बटर है, यू नो, माय फेस इज माय ब्रेड एंड बटर. तो और मेरे लिप्स पे हुआ था, So of course I was little taken back and I have beautiful smile. कोई माने नहीं माने but I love my smile. मैं अपनी favorite हूँ भाई. And you are pretty so और हम ये मैं बोला बनता है कि आपने पूरे Big Boss के शो में your fashion game was on point. Thank you so much. But I have a beautiful smile. You know, I was little taken aback कि यार मेरी smile खराब हो गई, मेरा face खराब हो गया. तो वो एक downfall था, एक phase था मेरा जहाँ मैं 9 months I was fighting, I was struggling. देन उसके बाद मैं वहां से ठीक होती हूँ. फिर मुझे लाइफ वापस एक तमाचा देती है that I am diagnosed with hepatitis. You know, I have this condition called autoimmune hepatitis. फिर मेरा डाउनफॉल आया and I'm like now I have to live my life. I have to live my life. आपको नहीं पता कल आपके लिए क्या है. तो बस I started having that attitude. I started loving myself. मैंने अपने आप को पहला रखा और सेल्फ लव दिया और सेल्फ लव देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज मैं सबको यही चीज बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप से प्यार कीजिए पहले. सो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग नेम्स? रणवीर. और मैं बोलूंगी सीनियर. लवकेश. दोस्त. अरमान. चापलूस. कृतिका. चापलूस के असिस्टेंट. पायल. पायल के साथ ना इंटरेक्शन बहुत कम थी तो पायल का जैसे ये लोग सबके साथ में रही हूँ. पायल के साथ नहीं, मैं भाभी, बड़ी भाभी को यही बोलूंगी, बड़ी भाभी. विशाल. दिल. चंद्रिका. बड़ा पाव गर्ल. Neezi. Bamai forever. Shivani. Pyari. Sai. I don't know him. Deepak. Chingam Chacha. Neeraj. Neeraj, again I would say beautiful person. Beautiful. वो जल्दी चले but Adnan 007. अनिल कपूर जी. झकास. बिग बॉस के घर में खाने को लेके सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, किचन और खाने को लेकर. मम्मी का हाथ का खाना कितना मिस किया और आते ही सबसे पहले क्या बनवा के खाया? I'm not fussy in food. मैं आते साथ ही दाल चावल भिंडी और रोटी खाई हूँ. I love that simple basic food. बट मैं खाने को लेके फसी नहीं हुई थी. हाँ, मेरा क्या ना, मैं अपना काम खुद करती हूँ. मेरे को कोई रोटी बना के दे नहीं, मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं खुद रोटी बना के खा सकती हूँ. एंड एज अ कहावत, अगर आप अकेले खा सकते हो